नमस्कार, मैं हूँ दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 जुलाई दिन मंगलवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉलेजों के टीचर अब बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चों को देंगे ट्यूशन। पर्यटन विभाग होम स्टे योजना की कर रहा शुरुआत। टैक्स में आ रही परेशानियों को देखते हुए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार के जिलों में अति बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। रेलवे महिलाओं को देता है ये खास सुविधाएं। 27 जुलाई भारतीय टीम को मिलेगा नया हेड कोच। अब चले बढ़ते अब तक के 25 बड़ी खबरों के विस्तार से। पीएनबी बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल पीएनबी बैंक द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर बंपर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 जुलाई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। कॉलेजों के टीचर अब बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चों को देंगे ट्यूशन। कॉलेजों के टीचर अब बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को ट्यूशन देंगे। इस योजना की शुरुआत शिक्षा विभाग द्वारा की गई है ताकि बच्चों में विज्ञान को लेकर जागरूकता बढ़ाया जा सके। इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों के बच्चों को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षक पढ़ाएंगे। इन कॉलेज शिक्षकों को रोस्टर बनाकर हर दिन 1 घंटा पढ़ाना है। उन्हें 15वें दिन अपनी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। इस संबंध में सिद्धार्थ और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। एलईडी और सीएफएल दोनों में से कौन सा बल्ब बिजली की खपत करता है कम। समय के साथ साथ बाजारों में कई तरह के आधुनिक और डिजाइनर बल्ब भी आए हैं। घर में लोग रोशनी के लिए अब एलईडी और सीएफएल बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों में से किस बल्ब के इस्तेमाल से बिजली की खपत कम होती है। एलईडी लाइट को बनाने में डायोड का इस्तेमाल होता है। इसमें एक प्लेट नेगेटिव और दूसरी पॉजिटिव होती है। इसमें एक तरफ होल्स और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनके बीच खाली जगह रखी जाती है। जब बिजली होल्स और इलेक्ट्रॉन्स से होकर गुजरती है तो ये आपस में फैलने लगते हैं। एलईडी का प्रोसेस काफी किफायती होता है, वहीं रोशनी पैदा करने का काम इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। बात करें सीएफएल लाइट की तो इसके अंदर फ्लोरोसेंट की कोटिंग की जाती है। जब बिजली इसमें दौड़ती है तो मरकरी और ऑर्गन से टकराकर यूवी किरणें उत्पन्न होती हैं, इससे रोशनी निकलती है। सीएफएल में यूवी किरण के उत्पन्न होने की वजह से बिजली खर्च कम होता है। पर्यटन विभाग होम स्टे योजना की कर रहा शुरुआत। बिहार में जल्द ही राज्य सरकार पर्यटकों के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के लागू होने से बिहार में आने वाले पर्यटकों को काफी फायदा होगा। इस योजना के तहत पर्यटक किसी भी नजदीकी गांव में अपनी रात गुजार सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। पर्यटक स्थलों के आसपास जो गांव होंगे वहां के घरों को अतिथि गृह की तरह विकसित किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को वहां रहने खाने की व्यवस्था भी दी जाएगी। जो भी गृह स्वामी इसके लिए पंजीकृत करना चाहते हैं उन्हें उसके लिए पर्यटन विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद सरकार द्वारा इन्हें कई तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य पर्यटकों को होमली वातावरण उपलब्ध करवाना है और गाँव के लोगों की आमदनी को बढ़ाना है। परिमार्जन प्लस पोर्टल की हुई शुरुआत। घर बैठे जमाबंदी से जुड़े ये काम कर सकेंगे ऑनलाइन। राजस्व विभाग द्वारा परिमार्जन प्लस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल के जरिए आप जमाबंदी के डिजिटाइजेशन में गलतियों को सुधारने और मिसिंग एंट्री दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा रैयत का नाम, पिता का नाम, जाति के साथ पता में गलती के सुधार करवा सकेंगे। इसके अलावा डिजिटाइज्ड जमाबंदी में दर्ज खाता, खेसरा, रकबा और चौहद्दी में त्रुटि या उसके दर्ज नहीं होने पर लगान संबंधी विवरणी में भी ऑनलाइन सुधार करवा सकेंगे। न्यायिक क्षेत्र के लोगों को भी दी जाएगी नया आपराधिक कानून की जानकारी। 1 जुलाई से 3 नया आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। नए कानून की जानकारी न्यायिक क्षेत्र के लोगों को भी दी जा सके, इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की तैयारी है। ये प्रशिक्षण अनुमंडल से लेकर अन्य स्तर के न्यायाधीशों के अलावा लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, न्यायाधीश पदाधिकारी और सरकारी वकील को भी दिए जाएंगे। प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा। इसकी पूरी व्यवस्था विधि विभाग द्वारा की गई है।
बहुमंजिले भवन में आग से सुरक्षा और बचाव के ये हैं उपाय। बहुमंजिले भवनों में आग से सुरक्षा और बचाव के संबंध में आईपीआरडी बिहार ने कुछ जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि नए भवनों का निर्माण नेशनल बिल्डिंग या बिहार भवन लॉज के अनुरूप ही करवाएं। विद्युत प्रभार के अनुरूप में ही भवनों में मानक विद्युत तार और उपकरण लगाएं और समय समय पर इसकी जाँच करवाएं। पुराने भवनों का फायर ऑडिट करवाएं। अग्निशमन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश और सुझाव का पालन करें। फ्लैट लेने से पहले उसमें लगे अग्निशमन उपकरणों की जांच करें। भवनों में सहज जगह पर फायर प्लान दर्शाएं। भवनों या व्यावसायिक भवनों में रसोई गैस का उपयोग करने के बाद नॉब और रेगुलेटर दोनों को बंद करें। भवन में प्रवेश या निकासी के रास्ते को अवरुद्ध न करें। जलते सिगरेट को इधर उधर ना फेंके। ध्यान रखें कि किसी तरह के बिजली के तार हवा में ना झूल रहे हो। इसके अलावा भवनों में कूड़ा कचरा या ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण ना करें। श्रावणी मेले से पहले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी बैठक। श्रावणी मेला आने वाला है। हर साल राज्य में इस अवसर पर श्रावणी मेले का आयोजन होता है। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की अध्यक्षता में 5 जुलाई को बैठक होगी। इस बैठक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के अलावा प्रमंडलीय आयुक्त पटना, भागलपुर, सारण, जमुई समेत अन्य जिलों के डीएम और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में श्रावणी मेले को लेकर विस्तृत समीक्षा होगी। साथ ही कांवरियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। कांवरियों की सुरक्षा से लेकर उनकी मूलभूत चीजों की व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में श्रावणी मेले का आयोजन करीब 16 जगहों पर होता है। के पाठक ने बीते दिन अपनी ड्यूटी नहीं की ज्वाइन। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से चर्चा में आए आईएएस के पाठक 30 जून तक छुट्टियों पर गए थे और इसी बीच उनका शिक्षा विभाग से तबादला कर दिया गया। के पाठक की छुट्टियां केवल 30 जून तक ही थी। 1 जुलाई से वे वापस अपनी ड्यूटी पर आने वाले थे, लेकिन बीते दिन उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने 3 जुलाई तक के लिए अपनी छुट्टी बढ़वा ली है। 3 जुलाई तक की छुट्टी के लिए के पाठक ने बिहार सरकार को आवेदन भी सौंपा है। छुट्टियों पर गए के पाठक को लेकर चर्चा थी कि वे नाराज हैं, इसलिए लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूल में समर कैंप का आयोजन हुआ शुरू। प्रदेश के सरकारी स्कूल में 1 जुलाई से कक्षाओं का संचालन नए टाइम टेबल के मुताबिक 9 बजे से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में समर कैंप की शुरुआत भी हो चुकी है। 1 जुलाई से शुरू हुआ ये समर कैंप 8 जुलाई तक चलेगा। समर कैंप के दौरान स्कूलों में कई गतिविधियां करवाई जाएंगी। इस संबंध में डीयू और डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 1 जुलाई को स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, 2 जुलाई को थीम सतत खाद्य प्रणाली अपनाना, 3 जुलाई का थीम ई कचरा कम करना, 4 जुलाई का थीम कचरा कम फैलाना, 5 जुलाई का थीम ऊर्जा बचत करना, 6 जुलाई का थीम पानी बचाना और 8 जुलाई का थीम सिंगल प्लास्टिक के इस्तेमाल को ना कहना होगा। पैक्स में आ रही परेशानियों को देखते हुए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। धान की खरीद में प्राथमिक कृषि साख समितियों यानी पैक्स में आ रही परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस नए फैसले के तहत धान अधिप्राप्ति के निर्धारित बोरे के मूल्य तौलाई, मजदूरी ढुलाई की राशि नए सिरे से निर्धारित की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार चावल देने के बाद एफसीआई से राशि नहीं मिलने पर पैक्सों को रही आर्थिक क्षति की भरपाई करने पर भी विचार कर रही है। आपको बता दें कि इस बात की घोषणा सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार द्वारा की गई है। बिहार में इस दिन निवेशक सम्मेलन का होगा आयोजन। बिहार में दिसंबर के महीने में एक विशाल निवेशक सम्मेलन की तैयारी है। इस सम्मेलन में घरेलू से लेकर विदेशी निवेशक तक आमंत्रित होंगे, जहां बिहार में कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और इलेक्ट्रिक वाहन जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की तैयारी है। इस सम्मेलन से बिहार में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही राज्य में भी कारोबार भी विकसित होंगे। मालूम हो कि वर्ष 2023 में भी निवेशक सम्मेलन का संस्करण काफी सफल रहा था। इस साल भी पटना में दो 11 और 12 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। अचानक स्लम बस्ती में पहुंचे ऐसे सिद्धार्थ ने अभिभावक और बच्चों से की पूछताछ। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाल रहे आईएएस अधिकारी ऐसे सिद्धार्थ बीते दिन पटना के गर्दनी बाग स्लम बस्ती में पहुंचे। इतने बड़े अधिकारी को स्लम बस्ती में देख लोग हैरान भी हो गए।
इस दौरान एस सिद्धार्थ कई लोगों के दरवाजे पर पहुंच उनसे पूछताछ कर रहे थे। एस सिद्धार्थ यहां आकर उन बच्चों से पूछताछ करने लगे जो स्कूल नहीं गए थे। उन्होंने बच्चों और उनके अभिभावकों से स्कूल नहीं जाने की वजह भी पूछी, साथ ही उन्होंने स्कूल में होने वाली परेशानी आदि के बारे में भी पूछताछ की और समझाया स्कूल नहीं जाने पर उन्हीं का नुकसान है। रेलवे महिलाओं को देता है ये खास सुविधाएं। रेलवे से यात्रा करने वाली महिलाएं यात्रियों को पता होना चाहिए कि रेलवे आपके लिए कई खास सुविधाएं लेकर आता है। रेलवे ट्रेन में महिलाओं के लिए एक अलग से कोटा भी देता है। महिलाएं चाहें तो इस बोगी में आराम से सफर कर सकती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं को राष्ट्रपति द्वारा पुलिस मेडल मिला होता है या जिन्हें पुलिस पुरस्कार मिला होता है या जिनके पति युद्ध में शहीद हो गए होते हैं उन्हें भी रेलवे 50% तक की छूट देता है। यदि किसी कारण से ट्रेन लेट होती है तो महिलाओं की सुविधा के लिए वेटिंग लाउंज भी स्टेशनों पर बनाए जाते हैं। यदि कोई महिला ट्रेन में अकेले सफर कर रही है और वो अपने सीट पर अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है तो सीट बदलवाने के लिए भी वो टीटी से आग्रह कर सकती है। टीटी महिलाओं की मदद जरूर करेंगे। इसके अलावा यदि कोई महिला बिना टिकट के सफर कर रही है तो उसे बीच रास्ते में उतारा नहीं जा सकता। कुछ शर्तों के साथ महिला अपना सफर जारी रख सकती है। शिक्षा विभाग ने सरकारी राशि के बंदर बांट मामले में 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड। सरकारी स्कूलों के लिए बेंच डेस्क से लेकर दूसरे सामानों की खरीद और आउटसोर्सिंग में गड़बड़ी के आरोप में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। दरअसल इस मामले में सरकारी राशि के बंदर बांट का मामला सामने आया था जिसमें पता चला कि जिलों में बेंच डेस्क खरीद से लेकर अन्य योजनाओं में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत है। 10 शीर्ष परियोजनाओं और प्रमोटरों की रैंकिंग रेरा ने की जारी। सोमवार को रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण बिहार द्वारा शीर्ष 10 निबंधित परियोजनाओं और प्रमोटरों की रैंकिंग जारी की गई है। रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद इसकी परियोजनाएं प्राधिकरण के साथ निबंधित हुई हैं। घर या फ्लैट प्लॉट खरीदकर प्राधिकरण की वेबसाइट rera.bihar.gov.in पर जाकर चल रही परियोजनाओं और प्रमोटरों की रैंकिंग देख सकते हैं। परियोजनाओं की रैंकिंग के लिए बिहार रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट और प्रमोटरों के लिए बिहार रेरा प्रमोटर्स कॉन्सेप्ट नाम दिया गया है। रेरा द्वारा जारी किए गए रैंकिंग लिस्ट में शीर्ष 10 प्रमोटरों में एम्बिशन होम्स प्राइवेट लिमिटेड, कुमार बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य शामिल हैं। तो वहीं 10 शीर्ष रियल एस्टेट परियोजनाओं में आराध्या रेजिडेंसी, SKREPL, ट्रिनिटी उत्सव और दूसरी अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से घर और फ्लैट की खरीदारी करने वालों को सुविधा मिलेगी। आज से तारामंडल में इन 2 नए शो की होगी शुरुआत। आज से तारामंडल में 2 नए शो की शुरुआत होने जा रही है जिनका नाम है वॉयजर और लाइफ ऑफ ट्री। ये दोनों ही शो तारामंडल में चल रहे शो VR स्टार्स और एस्ट्रॉइड को रिप्लेस करेंगे। इस संबंध में तारामंडल के नोडल पदाधिकारी शिव शंकर सहाय ने जानकारी दी है कि महीने के पहले और तीसरे सप्ताह में नए शो दिखाए जाएंगे, वहीं दूसरे और चौथे सप्ताह में पुराने शो ही चलेंगे। पुराने और नए दोनों शो की सुविधा अल्टरनेट सप्ताह में दी जाएगी। आज से शुरू होने वाले दोनों नए शो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम से उपलब्ध रहेंगे। क्लर्क और प्यून के पदों पर परीक्षा नहीं करवाने पर छात्र नेता ने दी चेतावनी। सितंबर 2022 में 7692 पदों पर बिहार के सिविल कोर्ट द्वारा भर्ती निकाली गई थी। इस भर्ती के तहत क्लर्क के लिए 3325 पद, स्टेनोग्राफर के लिए 1562 पद, कोर्ट रीडर के लिए 1132 और प्यून के लिए 1673 पदों पर नियुक्ति की जानी थी। इन पदों पर घोषणा के तहत कोर्ट रीडर और स्टेनोग्राफर के पदों पर सिविल कोर्ट द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। हालांकि सैलान के 21 महीने बाद भी अभी तक क्लर्क और प्यून के पदों पर परीक्षा नहीं ली गई है, जिसके बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन करवाने की बोर्ड से मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि इस भर्ती की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी तो वे सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे। बिहार के जिलों में अति बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हो रही है। मॉनसून का असर अब तेज होने लगा है। पूरे बिहार में अब मॉनसून सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग लगातार भारी बारिश और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं जमुई, लखीसराय और बांका में 2 स्थानों पर अति बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा शेखपुरा, नालंदा, मुंगेर, पटना, गोपालगंज, सिवान, जहानाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर में किया दो स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री रहने की बात कही गई है। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर हुए कई बड़े खुलासे। सीबीआई को नीट पेपर लीक मामले में पूछताछ के दौरान कई बड़ी जानकारी हाथ लगी है। दरअसल इस मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर कुछ चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, जिसके तहत खबर है कि संजीव मुखिया किसी फॉर्म की तरह पेपर लीक कर पूरा नेटवर्क चलाता है। संजीव मुखिया के इशारों पर पेपर लीक का पूरा नेटवर्क चलता है और उसने कई राज्यों में भी अपनी पैठ जमा रखी है। यहां तक कि संजीव मुखिया के अंदर में 30 लड़के काम करते थे। इन सभी लड़कों को किसी प्राइवेट कंपनी की तरह सैलरी बेसिस पर रखा गया था। यहां तक कि इसने काम पर रखे कई करीबियों को बाइक तक दे रखी थी। लेकिन आपको बता दें कि संजीव मुखिया अभी सीबीआई की पहुंच से बाहर है। रुपौली उपचुनाव में पप्पू यादव का किससे मिलेगा समर्थन, आज करेंगे इसकी घोषणा। रुपौली से उपचुनाव लड़ रही महागठबंधन की प्रत्याशी बीमा भारती ने पप्पू यादव से समर्थन मांगा है। वहीं दूसरी तरफ शंकर सिंह की पत्नी प्रतिमा कुमारी कह रही हैं कि पप्पू यादव का शंकर सिंह को समर्थन मिल रहा है। इसे लेकर बीते दिन पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव दिल्ली गए, जहां उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा था कि कांग्रेस आला कमान से मुलाकात के बाद ही वे तय करेंगे कि वे रुपौली विधानसभा उपचुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं। पप्पू यादव उस चुनाव में किसे अपना समर्थन देंगे, इसकी घोषणा वे आज ही कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार में जातिवाद पर होने वाले राजनीति को लेकर कही ये बात। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रदेश में मौजूद अलग अलग पार्टियों में जातिवाद और उसके समीकरण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 ही महीने हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि बिहार से दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बिहार में जमीन में लोगों को जन स्वराज की ताकत दिख रही है। जब हम पदयात्रा में आए थे तो 150 लोगों के साथ आए थे, मगर आज हजारों से भी ज्यादा लोग जन स्वराज के साथ जुड़ गए हैं। बिहार के अन्य पार्टियों को समीकरण बनाने दीजिए। कोई MY समीकरण बना रहा है, कोई PY बना रहा है, कोई A to Z बना रहा है। आप देखिएगा कि एक ही समीकरण होगा, वो जन बल का समीकरण। देश में जन बल के आगे कोई समीकरण नहीं है। भारतीय टीम को मिलेगा नया हेड कोच। T20 वर्ल्ड कप 2024 के खत्म होने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का भी कार्यकाल खत्म हो चुका है। अब भारतीय टीम के नए हेड कोच बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे लेकर BCCI के सचिव जय शाह ने बड़ा अपडेट भी दिया है। उन्होंने बताया है कि श्रीलंका दौरे पर भारत को एक नया हेड कोच मिल जाएगा। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल द्रविड़ की जगह पर अब कौन भारतीय टीम का नया हेड कोच बनेगा। आपको बता दें कि भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 27 जुलाई से होगी। आपके मुताबिक भारतीय टीम का हेड कोच कौन होना चाहिए, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1757 में प्लासी की लड़ाई में हार के बाद बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की जान गई थी। आज के दिन वर्ष 1940 में ब्रिटिश सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को विद्रोह भड़काने के आरोप में कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया था। आज के दिन वर्ष 1993 में अध्यादेश के जरिए ONGC को कॉर्पोरेशन में बदला गया था। आज के दिन वर्ष 2002 में हेपेटाइटिस सी की जांच को पूरे भारत में अनिवार्य कर दिया गया था। आज की वायरल खबर में हम बात करेंगे नए क्रिमिनल लॉ को लेकर चल रही इन खबरों के बारे में। बिहार में 1 जुलाई से नया क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया गया है। नए क्रिमिनल लॉ को लेकर कई तरह के दावे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें से कई दावे भ्रामक और फर्जी हैं। PIB फैक्ट चेक ने भी नए क्रिमिनल लॉ को लेकर मिसलीड करने वाले दावों पर विश्वास करने से आगाह किया है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। ध्यान रखें कि पुलिस रिमांड अभी भी 15 दिनों का है, लेकिन इसे 60 या 90 दिवसीय हिरासत अवधि के पहले 40 या 60 दिनों में पूर्णतः या आंशिक रूप से लिया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, पेरिस विषय, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 जून, ऑप्शन बी 28 जून, ऑप्शन सी 27 जून, ऑप्शन डी 29 जून,
इसका सही उत्तर 28 जून। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में वनाग्नि के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली शुरू की गई है? ऑप्शन ए कान्हा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी है पेंच टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी है मानस टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी है दुधवा टाइगर रिजर्व। इसका सही उत्तर है पेंच टाइगर रिजर्व। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का विकास परीक्षण कहां पूरा हुआ है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। इसका सही उत्तर है तीसरा। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले गवर्नर कौन थे? ऑप्शन ए है सर हेनरी हिलर, ऑप्शन बी है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन सी है सर जेम्स डेविड सिफ्टन, ऑप्शन डी है जयराम दास दौलत राम। इसका सही उत्तर है सर जेम्स डेविड सिफ्टन। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है गुनर शर्मा, साधुल्ला पालवी, विकास दास, संजय कुमार शर्मा, राकेश, पंकज कुमार दास, नन्नू गोलू कुमार, अमित कुमार, संजीव कुमार, पवन कुमार यादव, उमेश महतो, रवि कुमार राम, अनवर करीम खान, विनय कुमार, राजीव कुमार, अजित मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल के राज का सवाल है, आपके क्षेत्र में अभी किस फसल की खेती की जा रही है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।